मैं सारिका और मैं आज अपने कुछ सवाल लेकर फिल्मोग्राफी के सेट पर आई हूँ। तो सर, आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कपूर फैमिली की बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई। कपूर फैमिली के जहाँ बात करते हो तो बात शुरू होती है पृथ्वीराज कपूर से। दीवान बसेसर नाथ कपूर के घर में 1906 में पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ पेशावर में। पेशावर आज के पाकिस्तान का एक भाग था, अखंड भारत का एक हिस्सा था। 22 साल की उम्र में 1928 में कलकत्ता आने के बाद में उन्होंने पहले ड्रामे किए और न्यू थिएटर्स में भी उन्होंने काम करना शुरू किया। उस समय फिल्में बोलती नहीं थी, साइलेंट फिल्म्स होती थी और उनकी पहली फिल्म का नाम है सिनेमा गर्ल। 1930 में वो बॉम्बे आए। अब 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलमारा। आदेश ईरानी ने उस फिल्म को बनाया और वहीं से हमारी हिंदी फिल्मों का बोलने का सफ़र शुरू हुआ। आलमारा पे इतना स्ट्रेस करने की, इतना ध्यान देने की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि यही पहली बोलती फिल्म थी और इसमें पृथ्वीराज कपूर ने एक भूमिका अदा की थी। आगे चलकर उन्होंने बहुत सी फिल्में की। वो वी शांताराम से जुड़े, उनकी दहेज फिल्म की। 1960 तक आते आते उन्होंने सिकंदर और मुगले आजम जैसी पिक्चर की। मुगले आजम का सफ़र से पहले ही उन्होंने के आसिफ की फिल्म फूल में भी काम किया था। तो उनका एसोसिएशन 1940 से और फिल्म रिलीज होने के 1960 तक रहा। पृथ्वीराज कपूर अपने आप में इतने सक्षम अभिनेता होते भी, लेकिन उनका पहला प्रेम स्टेज ही था, ड्रामा ही था। तो उन्होंने 1944 में अपना खुद का पृथ्वी थिएटर स्थापित किया। सर, उन्होंने थिएटर से बॉलीवुड में कदम कैसे रखा? एक एक्टर जब अपने आप में पॉपुलर हो जाता है, उन्होंने 1944 में जब पृथ्वी थिएटर की स्थापना की तो वो अपने थिएटर को लेके गांव-गांव शहर-शहर घुमा करते थे और उन्होंने फिल्मों में भी एक्टिंग शुरू की। ये 1940 की बात करूं तो उन्होंने फूल फिल्म में काम किया। उस 1941 में वी शांताराम की फिल्म दहेज में काम किया। उन्होंने सिकंदर में एक यादगार भूमिका की जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी लीजेंडरी फिल्म है। शोहराम मोदी ने उसे ड्रामेटिक अंदाज में बनाया था। सिकंदर और पोरस की कहानी, उसमें मेन भूमिका पृथ्वीराज कपूर की थी। तो उनकी आगे की जो पीढ़ी है वो कैसे आई फिर बॉलीवुड में? पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे राज कपूर का जन्म पाकिस्तान में हो गया, लेकिन जब वो फैमिली शिफ्ट होके बॉम्बे आ गए तो राज कपूर भी बॉम्बे आ गए और वहाँ पे अपने पिता को देखकर उनके मन में भी अभिनय के अंकुर फूटने लगे और उन्होंने भी पृथ्वी थिएटर में काम शुरू किया। लेकिन पृथ्वी थिएटर में काम करते हुए उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे तो दुनिया सिर्फ एक स्टेज है, सामने का पर्दा है। और वो विजनरी बड़े थे, उन्होंने सिनेमा की कल्पना की और रंजीत मूवी टोन में जहाँ पे पृथ्वीराज कपूर काम करते थे वहीं पे एक डायरेक्टर थे केदार शर्मा। केदार शर्मा के असिस्टेंट बन के राज कपूर ने काम प्रारंभ किया। इस तरह से उनकी अगली पीढ़ी भी फिल्म लाइन में आने लगी और 1946 में राज कपूर स्वयं एक्टर से प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने आग फिल्म के द्वारा। सर, इसके बाद पृथ्वी थिएटर का क्या हुआ? वो अपना मैक्सिमम समय पृथ्वी थिएटर को ही देते थे। कभी भी उन्होंने फिल्म वालों को और थिएटर वालों को मिक्स नहीं किया। उनके थिएटर में उस जमाने में सब बड़ी बड़ी हस्तियां काम करती थी। राज कपूर ने उसी थिएटर ग्रुप से रामानंद सागर को निकाला, उसी से शंकर जयकिशन को निकाला और पैरेलल इंडस्ट्री के रूप में वो काम करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो सारे देश का भ्रमण करते करते अपने आप में थकने लगे, तब उन्होंने बम्बई में सिर्फ फिल्म को अपना माध्यम बनाया। तो आपने जैसा बताया कि राज कपूर जी भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए थे, तो क्या फिर उन्होंने अपने पिताजी को भी डायरेक्ट किया? आग फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद में आवारा, उसके हीरो राज कपूर थे, उनके पिताजी की भूमिका पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी और पहली बार उनके दादाजी दीवान बसेसर नाथ कपूर ने भी जज की भूमिका निभाई थी। आपने तो कहा था कि
पृथ्वीराज जी के जो पिताजी थे वो खुश नहीं थे कि वो फिल्म में काम करें। जब परिवार के सदस्य उसमें आ गए तो उन्होंने अपने बेटे की बात मानी, और मूल से ब्याज प्यारा होता है। जब राज कपूर ने बोला कि सिर्फ एक सीन है, आपको जज बन के फैसला करना है, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी भूमिका अपने दादाजी से कराई। और एक समय ऐसा आया जब रणधीर कपूर कल आज और कल से फिल्म डेब्यू कर रहे थे, तो उस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने भी अहम भूमिका निभाई। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, फिल्म की डबिंग के लिए उन्होंने पूरे यूनिट को हॉस्पिटल में बुलाया और मरने से पहले फिल्म की डबिंग कंप्लीट की। ये उनका डेडिकेशन था। 1972 में वो हम सबको छोड़कर चले गए। आज हमने जाना पृथ्वीराज कपूर के बारे में। पृथ्वीराज कपूर के तीन बेटे थे, शमी कपूर, शशि कपूर, राज कपूर। अगले एपिसोड में हम जानेंगे राज कपूर के बारे में।